हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहास क्रिएटिविटी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना रोम का डे वन ब्लॉग। तो डे वन हम लोग ने वेटिकन सिटी कवर किया। वेटिकन सिटी कवर करने के लिए हम लोगों ने 2 डेज का टूर बुक किया, जिसमें 1 डे हम लोग वेटिकन सिटी और 2nd डे हम लोग क्लोसियम कवर करने वाले थे। तो अगर हम लोग वेटिकन सिटी जाते हैं तो टूर बुक करना मस्ट है, क्योंकि हिस्ट्रिकल प्लेस पे अगर हम गाइड लेते हैं तो घूमने में ज़्यादा मज़ा आता है और जितनी भी हिस्ट्री है तो वो अच्छे से पता चल जाती है। हम लोग वेटिकन सिटी आ गए हैं तो अभी हम लोग अपने गाइड के साथ ही हैं। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे वेटिकन म्यूजियम और उसके बाद 16 चैपल और फिर सेंट बेसिलिका। तो हम लोग अभी म्यूजियम में ही एंटर कर रहे हैं। हम लोग म्यूजियम में आ गए हैं और ये वाला जो म्यूजियम है वो फेमस है रोम के एंशिएंट स्कल्पचर के लिए। यहाँ पे मैकलेंजलो के काफी सारे स्कल्पचर हैं जो रखे हुए हैं और बहुत ही सुंदर स्कल्पचर थे, जिनमें बहुत ही सुंदर फाइन आर्ट्स थी और बहुत ही सुंदर बने हुए थे और बहुत ज्यादा ओल्ड थे। यहाँ पर बहुत सारे स्कल्पचर्स थे जिनकी अपनी अलग हिस्ट्री थी और गाइड ने काफ़ी कुछ बताया सब स्कल्पचर के बारे में, जिनको डिफाइन करना अभी बहुत टफ है और मैं इस वीडियो में भी सब कवर नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ये था इस म्यूजियम का स्टोन जू। इस म्यूजियम की हर चीज देखने वाली थी। सीलिंग पे जो वर्क था वो भी अमेजिंग था, फ्लोर पे पूरा मोजैक वर्क था वो भी अमेजिंग था। तो नजरें बस ऐसी थी ऊपर नीचे इधर उधर, मतलब सब कुछ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। और सबसे ज़्यादा अमेज ये था कि इतने साल पहले इतना सुंदर वर्क और इतने ज़्यादा ग्रेट आर्टिस्ट जो इतना सुंदर सुंदर काम करते थे, बस मैं तो वही सोच रही थी पूरा कि कितना सुंदर काम था इस म्यूजियम में। यहाँ पर हमें गाइड ने थोड़ा एक्सप्लेन किया सिस्टीन चैपल के बारे में और बताया कि वहाँ पर फोटोग्राफी और बात करना अलाउ नहीं है। तो अभी हम लोग जहाँ पे एंटर कर रहे थे वहाँ की सीलिंग और जो वॉल पेंटिंग थी वो देखने वाली थी और उसके बाद फिर हम लोग सिस्टीन चैपल गए। तो अभी आप देखना कि कितना सुंदर वर्क है सीलिंग पर। मिकलेंजलो के कुछ ऐसे वर्क थे जो मोस्ट पॉपुलर वर्क हैं, जैसे डेविड जो हमने फ्लोरेंस में कवर किया, सिस्टीन चैपल, पिएटा और द लास्ट जजमेंट। सिस्टीन चैपल में फोटोग्राफी और वीडियो बिल्कुल भी अलाउ नहीं थी, तो इसलिए सिस्टीन चैपल मैंने कवर नहीं की। बाकी डेविड मैंने आपको दिखाया और पिएटा मैं भी आपको दिखाऊंगी और द लास्ट जजमेंट वो भी सिस्टीन चैपल में है, जो मैं आपको दिखा नहीं पाई। तो बेसिकली ये वाले जो फ्लोर है इसकी भी अपनी एक अलग हिस्ट्री थी जो कि हम लोगों को गाइड ने एक्सप्लेन की थी।
लोग ये सीलिंग पे देख रहे होंगे जो 3D वर्क दिखाई दे रहा है, ये कोई प्लास्टर ऑफ पेरिस या संगमरमर नहीं है, ये पेंटिंग ही है जो 3D का इल्यूशन दे रही है। मेरी अभी तक की लाइफ की ये मोस्ट ब्यूटीफुल सीलिंग है, मैंने ऐसी सीलिंग अभी तक नहीं देखी। हम लोगों का म्यूजियम कवर हुआ, उसके बाद हम लोगों ने सिस्टीन चैपल देखी, मैकलेंजलो का अमेजिंग वर्क था, और अभी हम लोग जाएंगे सेंट पीटर बेसिलिका, तो अभी थोड़ा देर रेस्ट करेंगे फिर उसके बाद हम लोग देखने के लिए जाएंगे। ये है वो विंडो जहाँ पर एवरी संडे पोप आते हैं ब्लेसिंग्स देने के लिए। ये है सेंट पीटर बेसिलिका, दुनिया का सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च, और यहीं पर एवरी ईयर 12 मिलियन लोग आते हैं क्योंकि एक तरीके से पिलग्रिम प्लेस भी है। और यहीं पर ही मिकलेंजलो की एक और फेमस स्कल्पचर रखा हुआ है पिएटा। लोगों ने बेसिलिका कवर की और उसके बाद बाहर आए तो काफ़ी बारिश हो रही थी, तो वेदर एकदम चेंज हो गया था और बहुत ज़्यादा ज़रूरत लग रही थी बारिश की, तो बहुत ही अच्छा लगा बारिश होने के बाद। ये था सेंट पीटर स्क्वायर। यहाँ से हम लोगों ने अपने लिए ये पोंचो खरीदे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा पोंचो पहना था, तो मतलब कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन मुझे ऐसे अच्छा लग रहा था, बहुत खुश हो रही थी। हम लोगों ने लंच किया और लंच करते करते तो बहुत देर हो गई थी, ऑलमोस्ट इवनिंग ही हो गई थी, और फिर हम लोग निकल गए और वेटिकन सिटी एक्सप्लोर करने के लिए। तो वहीं पे ही आसपास में ही थोड़ा कुछ था, तो ये थी वहाँ पे कैसल, तो उसके पास आके हम लोग थोड़ा बैठ गए, थोड़ा एक्सप्लोर किया, फिर वहाँ से हम लोग निकल गए वापस रोम के लिए। हम लोग जब वेटिकन सिटी से वापस आ रहे थे तो रोम में ये अट्रैक्शन था, हम लोग यहाँ पर उतरे और यही वो खतरनाक पॉइंट था जहाँ पे मेरे बैग से सब सामान चोरी हुआ, तो यहाँ पे उतरने के बाद ही हम लोगों को पता चला था, और बाद में पता चला कि काफ़ी मतलब मोस्ट पॉपुलर अट्रैक्शन है ये वाला भी। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, उसके बाद हम लोग गए रोम में एक फेमस फाउंटेन है वो एक्सप्लोर करने के लिए।
तो हम लोग पहुंचे नियर टू फाउंटेन और रास्ते में ये आर्टिस्ट था जिसका कोई जवाब नहीं था, इतनी सुंदर पेंटिंग्स बना रहा था, तो बहुत बहुत मैं आपको बता नहीं सकती कितनी अमेजिंग थी और कितना क्विक बना रहा था। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्राउड था और पिक्चर लेने के लिए भी नहीं बन रहा था, इतना ज़्यादा क्राउड था इस वाले फाउंटेन पे। तो बस हम लोगों ने ये फाउंटेन कवर किया, यहाँ पे हम लोग थोड़ा देर बैठे और हम लोगों ने डिनर किया और ऐसे ख़त्म हुआ हमारा आज का दिन। और वेटिकन सिटी तो आपको पता ही होगा कि दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है और दुनिया का सबसे बड़ा पोप भी वहीं पर ही रहते हैं। तो ऐसे ख़त्म हुआ आज का अच्छा दिन, होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना मत भूलें। और कल हम लोग कवर करेंगे क्लोसियम। तो फ्रेंड्स जल्दी ही मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।